गजा के सरकारी मीडिया ऑफिस ने बताया कि 7 अक्टूबर से इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़ा शुरू होने के बाद से गजा की पट्टी में 12,000 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद हुए हैं। मीडिया ऑफिस के डायरेक्टर जनरल इस्माइल असवाबिया ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि जहां वहां खोने वालों में 5,000 बच्चे और 3,300 खवातीन शामिल हैं, जबकि 30,000 से ज़्यादा लोग शदीद ज़ख्मी हुए हैं। असवाबिया ने बताया कि लापता होने वालों की तादाद 3,750 से ज़्यादा हो गई है, जिनमें 1,800 बच्चे भी शामिल हैं जो अभी भी इसराइली हमलों में तबाह होने वाली इमारतों के मलबे तले दबे हुए हैं। उन्होंने इसराइली फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया कि वो जानबूझकर गजा की पट्टी के अस्पतालों को निशाना बना रहे हैं ताकि फ़लस्तीनियों को सेहत की सहूलत से महरूम किया जाए और इन्हें हिजरत पर मजबूर किया जाए। फ़लस्तीनी अहदेदारों ने सैकड़ों बीमार और ज़ख्मी अफराद और अंदर पनाह लेने वाले हज़ारों बेघर लोगों को दरपेश खतरे के पेश नज़र बैनुल अक्वामी बरादरी से मुतालिबा किया है कि वो अलशिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आज़ाद कराने और इसी फौरी ईंधन की फराहमी के लिए मुदाखलत करने की अपील की है। गजा में सेहत के सबसे बड़े इदारे मेडिकल कॉम्प्लेक्स को हाल ही में इसराइली फ़ौज की तरफ से तलाशी की कार्रवाइयों और नाकाबंदी का सामना करना पड़ा, जिनका कहना था कि अस्पताल को हमास फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। इस दावे की हमास और अस्पताल इंतजामिया ने बार बार तरदीद की है। सलामी तहरीक मुजाहमत हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया ने जुमेरात को बताया कि इसराइली हमले की तरफ से मुकर्रर करदा कीमत अदा करने के अलावा अपने कैदियों को वापस नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि हमास तवील जंग के लिए तैयार है। हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह एक टेलीविजन तकरीर में कहा कि सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम को गजा की पट्टी और पूरे फ़लस्तीन के मुस्तकबिल का तायुन करने का मुकम्मल हक हासिल है। हनिया ने इसराइल और इसकी हिमायत करने वालों को मुखातिब करते हुए कहा कि हमास एक तहरीक है जिसकी जड़ें इसकी ज़मीन पर है। उन्होंने कहा कि इसराइल और इसके इत्तेहादी गजा की पट्टी में हकीकत को तब्दील नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मज़ाहमत के हाथ बहुत लंबे हैं और हम दुश्मन के ख़िलाफ़ तवील जंग के लिए तैयार हैं। इसी दौरान हमास के अस्करी विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा ने बताया कि ब्रिगेड के मुजाहिदीन ने 4 दिन के अंदर इसराइली खाबिज फ़ौज की 62 फौजी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया है और तबाह करने में कामयाब हुए हैं। 3 दिन पहले 2 अलग अलग ऑपरेशन के दरमियान कम अज़ कम 19 फौजी इसराइल के हलाक हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, गज़ा।